गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ पल्लवी सांबारे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स ऑफ 8 बिट एंड 16 बिट। नाउ वी स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ अनसाइन एंड साइन नंबर। अब अनसाइन एंड साइन नंबर क्या होता है ये मैंने आपको इंस्ट्रक्शन सेट में पढ़ा चुकी हूँ, तो फिर से एक बार देख लेते हैं अनसाइन नंबर एंड साइन नंबर क्या होता है। अनसाइन नंबर मतलब सिंपली हमारी एडिशन के लिए जो इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं अनसाइन नंबर। फॉर एग्जांपल मल क्या है हमारा अनसाइन नंबर, और साइन नंबर मतलब साइन नंबर है हमारा IML फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए। अनसाइन नंबर 8 बिट या फिर 16 बिट के लिए हम मल इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करते हैं, एंड 16 बिट या फिर 8 बिट साइन नंबर के लिए हम IML इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम डायरेक्टली प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव टू ओपन TASM कमांड फॉर आफ्टर दैट एडिट टू ओपन DOS बॉक्स। वी हैव ऑलरेडी क्रिएट अ फाइल, नाउ वी ओपन दिस फाइल। फाइल इज मल्टीप्लिकेशन, तो मल डॉट SM नाम की एक मेरी फाइल है। यहाँ पे मैंने एक फाइल ओपन की है फॉर 8 बिट मल्टीप्लिकेशन अनसाइन नंबर। तो डॉट मॉडल डॉट स्मॉल डॉट डेटा, डॉट डेटा में मैंने दो नंबर लिए हैं और दोनों नंबर की मुझे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है, तो रिजल्ट स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे रिजल्ट वेरिएबल यूज़ किया है। डॉट कोड मूव AX कॉमा @ डेटा मूव DS कॉमा AX, ये मैंने क्या किया है यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया मैंने डेटा सेगमेंट को मैंने पहले यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया, उसके बाद मैंने मूव AL कॉमा num1, मतलब num1 की जो भी वैल्यू है फॉर एग्जांपल 67 वो मैंने AL रजिस्टर में मैंने कॉपी की। अब AL रजिस्टर क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो 8 बिट अनसाइन नंबर का है, इसीलिए मैंने यहाँ पे AL रजिस्टर का यूज़ किया। अभी मुझे मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना, मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन के थ्रू मुझे AL में num1 की वैल्यू जो है उसको मुझे मल्टीप्लाई करना है num2 के साथ, तो मल num2। तो रिजल्ट स्टोर करने के लिए मैंने AX में जो भी वैल्यू होंगी मेरी वो मेरे रिजल्ट में वेरिएबल में स्टोर होनी चाहिए। उसके बाद ns डेटा को, डेटा सेगमेंट जो इनिशियलाइज किया था उसको एंड करने के लिए ns, और लास्ट में प्रोग्राम को एंड करने के लिए। अब हम डायरेक्टली प्रोग्राम पहले सेव करना है और उसके बाद एग्जिट करके हमें प्रोग्राम की कमांड्स फॉलो करनी है। TASM फॉर कंपाइलेशन TASM, और जो हमारा प्रोग्राम है मल। ठीक है, कंपाइलेशन अच्छे से हो गया हमारा, उसके बाद हमें tlink परफॉर्म करनी पड़ती है। tlink मल, tlink भी परफॉर्म हो चुकी है। उसके बाद td फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, td मल डॉट exe फाइल। ठीक है, यहाँ पे हमारी फाइल जो है वो प्रॉपरली आ गई है। अब हमें प्रोग्राम को रन करना है। मूव AX कॉमा जो ऊपर की दो लाइन जो है वो है हमारा डेटा इनिशियलाइजेशन, उसके बाद हमने num1 की जो वैल्यू है 67 वो हमने AL रजिस्टर में कॉपी किया। 67 को उसने असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है, तो हमारे 67 को कन्वर्ट करके उसने क्या दिया हमें AE वेरिएबल दिया। ठीक है, उसके बाद हमने दोनों की मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया है, मल्टीप्लिकेशन, और जो भी रिजल्ट है वो हमारा स्टोर हो चुका था AX रिजल्ट में। तो हमारा जो दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर है वो आया है 0E15। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन का अनसाइन नंबर का प्रोग्राम है। आई होप आप सभी को समझ गया होगा प्रोग्राम रिजल्ट कैसे स्टोर करते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो यहाँ से हमें क्वाइट करना है प्रोग्राम को स्टॉप करने के लिए, और यहाँ पे एग्जिट करना है डॉट्स बॉक्स के बाहर हमें जाना है, तो एग्जिट कमांड का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आज हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन एंड अनसाइन नंबर ऑफ 8 बिट नंबर का हमने प्रोग्राम कर चुके हैं।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे अनसाइन 16 बिट मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर टू नंबर कैसे परफॉर्म करते हैं. थैंक यू.